राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बड़े दिनों बाद हमारे बच्चे जा रहे हैं स्कूल। कार्तिक महाराज भी सेट हो गया, सारे नई नई क्लास में जाएंगे। और सादगी, उसको अपनी क्लास में छोड़ के आइयो, कार्तिक को, उसको पता नहीं कौन सी क्लास है। बाकी व्लॉग में बने रहना, स्किप मत करना, पूरा व्लॉग देख के जाना। और आज मंडे भी है, वीकली ऑफ रहता है, बट जाना है कितनी देर के लिए जाना है दुकान पर पता नहीं। और ये हमारे कार्तिक महाराज, राम राम तो कहते यार, तेरी नया बैग, तेरी आजकल तो कहता कंघी मैं अपने आप करूंगा, देख लो चंपक वाली कंघी। चल वैसा बाइक कोई धुला के लाया था, बस चलाई तो नहीं पर वैसे ही धुलवा दी, बहुत जल्दी निकलेगी बेटे तू। और दादी तू चाहेगा चूतर, ले चला फिर मैं पीछे बैठूंगा। दिलो का स्कूटर है मेरा, शूटर तू। दो महीने बाद पागल, 20 दिन बाद जा रहा है स्कूल। मैडम अगर नहीं होगी तो राम राम बोल दिए, गुड मॉर्निंग बोल दिए मैडम को, ठीक है। अब तो वैसे भी छुट्टियां पड़ने वाली है तुम्हारी, पड़ेंगी नहीं, 1.5-2 महीने वाली गर्मी होगी। पहले स्कूल छोड़ता हूँ इनको, फिर जिम जाना। जिम तो हम रेगुलर जा रहे हैं वैसे, सादगी को भी मैंने बोला था मैं जिम ज्वाइन कर ले, बट ये है ना नलायक, है ना तू नलायक। हाँ बस जिम का टाइमिंग का बड़ा पंगा पड़ा करेगा, बच्चे चले जाते हैं 8 बजे, मैडम जब बच्चे छोड़ देंगी तब तैयार होंगी, यानी बीच बीच में तैयार होते रहे, अभी कुड़ कुड़ करेगी। ऐ तुमसे तैयार नहीं हो जाता पहले, ज़्यादा मत बोलो ना। अब 9:30 बजे जिम से आएंगे, कब नहाएंगे कब वो करेंगे, शट अप, जवान लड़ाते। खानदा पता है बस, देख अभी जिम ला के तेल निकलवाता हूँ, देखो तुम्हारा हैवी हैवी वेट करवाऊंगा। परसों लेग्स करवाई थी इनकी, आज दर्द हो रही है, लेग्स चिल्ला रही है। तुम चलाओगे स्कूटी? नहीं तुम पैदल आओगे। चलो क्या, मैनू की दिक्कत है, चाबी दो, जाओ तो मैं तो पैदल आ जाऊंगा, चाबी दो मैं पैदल आ जाऊंगा, तुम चले लेट हो रहे हो ड्रामे। आज इतना हैवी वेट करवाऊंगा तुमसे, नानी हाँ चेस्ट करनी, नानी याद आ रहेगी तुम्हें तुम्हारी। जिम का सेशन खत्म करता हूँ फिर बताता हूँ मैं आपसे, ठीक है, है? चलो रिफ्रेश जिम करके रिफ्रेश सा लगता है। चढ़ जाओ ऊपर से, निकल जाओ, वो धक्के मार रही रोड पे कह रहा हूँ, सीढ़ियों पे होगी। तुम बीच में क्यों रुके, मैं तो अपने तरीके से चल रही थी, मैं मैंने धक्का मारा ना नीचे, स्कूटी पे जाके मिलोगे। चलो घर जाते हैं भैया, नहाए धोए काम पे निकले, बापू का पहले ही फोन आ गया, निकल गए, मैं नहीं निकला, ठीक है अभी मैं सीधा आपको नोने बाबू बन के मिलता हूँ, नहा धो के। ए फ्यू मिनट्स लेटर, जी यार लड़के को बाजू के दर्शन कर लो, जा रहा हूँ मैं, ठीक है भाई सब नहा धोके तैयार हो गए बैठ गए थे, फैक्ट्री का काम तो मैं निपटाया है सारा, तो बस अभी जो घर पे आया था टिफिन उठाने, पर डेली का रूटीन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट क्या हो गया, कार्तिक महाराज को लेके आना पहले, बाद में फिर ये ले आएंगे, पर इनकी तरफ कैमरा कर नहीं सकता क्योंकि नहाए नहीं है, दूर से इशारा कर रहे हैं। दिखा दूँ क्या तो ठीक है, पहले कार्तिक को ले आता हूँ क्योंकि 12 बज गए हैं, उसको लाके फिर सीधा दुकान पे चलता हूँ, शाम को जल्दी भी आना है, चलो आ जाओ मेरे पीछे पीछे, अरे सुनो। चलो चलता है, आ रहा हूँ। छबी नहीं आई, राम राम, क्या चल लेट हो गया, क्या चल गुंडा बना हुआ है तू, गुंडा आ जा। ओ भाई कैसा लगा पहला दिन स्कूल में, बड़ी क्लास में आ गया अब तो? हाँ। अच्छे दोस्त बने कोई दूसरे? नए नहीं, वही पुराने बच्चे हैं सारे। राम राम तो कहते जब को
चलो घर छोड़ के आता हूँ पहले इसको मैं दुकान पे चलूं लेट हो गया हूँ बहुत ज्यादा। नर्सरी बी के भी बच्चे आए थे। क्या आए थे? नर्सरी बी के बच्चे। नर्सरी बी के बच्चे? हम नर्सरी ए में। अच्छा तुम नर्सरी ए में हो, नर्सरी बी में तुम्हारा छोटा था तब। अच्छा चलो ठीक है जी। आओ भाऊ जी आओ, आ जाओ भाऊ जी, स्कूल से बड़े दिनों बाद घर आ जाओ भाऊ जी आओ। वे मम्मी ने कैसे गेट खुला छोड़ा हुआ है? चूहा तो नहीं आ गया? चूहा? हाँ भाई थक गया क्या? चल बेटा चल मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? चल बाय सोन, मिलते हैं शाम। हाँ बेटा, हाँ बेटा चुनाव यार अपनी रात को आओगे ना डोनट लेके आ जाना। यार तू डोनट मत खाया करता, मत खाया करती तेरे, रात में रात को भी दर्द हो रही थी, चॉकलेट मत खाना। ठीक है चल बाय। डोनट चॉकलेट वाला ही होता है और कौन सा होता है? चल जा मैं, ठीक है शाम को आ जाऊंगा। की तो ऐसा कि तेरी साइकिल ठीक करा दूंगा सारी तोड़ दी पागल ने। ठीक है बाय काटू। हम चलाएंगे अपनी चंपा चमेली, बहुत दिन हो गए चलाई नहीं, आज इसको चलाता हूँ। कल दुला दुलू के मैंने बढ़िया खड़ी कर दी थी, जय श्री राम। और देखते हैं स्टार्ट होती है नहीं होती है। देखते स्टार्ट होगी, टांगी हुई है, टांग दी मैंने बाइक। चलो चलते जी। बस दुकान पे तो आ गया था, चक्कर है पीरागढ़ी के पुल के नीचे वाला एक रोड बंद करा हुआ, पूरा जाम मिलता है। और आज मैंने बाइक चलाई, बाइक चलाने में आया मेरे को एकदम मज़ा, कुछ मतलब कुछ जैसे बहुत टाइम बाद चलाई ना, 10-12 मतलब मैं 1 तारीख चलाई होगी, अब दूसरी 1 आ गई है, आज 1 तारीख है, अब ब्लॉग 2 तारीख देखोगे। और जस्ट अभी दुकान पर आया, लंच वंच करा है। और अगर किसी को सजेशन चाहिए तो भाई साहब वैसे वो तांबे की बॉटल्स आती है ना एक, वो भी सही है, पर ये मट्टी की है, मिट्टी की है ये। हम सूरजमंड मेले गए थे ना, कोई पुराने ब्लॉग्स देख लेना, फरीदाबाद गए थे वहाँ से लिया था। और लिटरली बता रहा हूँ पानी बहुत ठंडा रहता है यार इसमें, ठंडा और एक थोड़ी सी महक सी आती है ना जैसे मिट्टी की, जैसे बारिश आती है वो एक, तो मैं कैसे बताऊँ किसी को, कईयों को अच्छी भी नहीं लग सकती वो मिट्टी की, बट मेरे को अच्छी लग रही है तो मैं इसी में पानी पी रहा हूँ। वैसे भी गर्मी आ गई है, पानी ज़्यादा चलेगा। और डेली ब्लॉगिंग का यार थोड़ा इसलिए ब्लॉग लगातार नहीं डाल पा रहा क्योंकि गोविंद भी है नहीं और फैक्ट्री में भी कुछ रमज़ान चल रहे हैं लड़कों के, सारी मुस्लिम कम्युनिटी है और बर्डन थोड़ा ज़्यादा आया था। काम नहीं है कोई बहुत तेज, बट जो थोड़ा काम है वो 4-5 बंदों में एक में आया था ना तो फिर लोड पड़ जाता, इसलिए डेली ब्लॉगिंग के लिए माफ़ कर देना। बाकी अभी थोड़े मई को कपाट खुल रहे हैं तो फिर शायद बाइक पर जाएँ, भाई के साथ जो लास्ट टाइम वाले हिमकुंड साहब गया था, इस साल कहीं और जाएंगे, बीच में देखूंगा अगर फैमिली के साथ हो गया। बाकी बस अभी थोड़ी देर में निकल जाऊंगा, सोनम के साथ जाना थोड़ा मार्केट, तो उनका फ़ोन अभी आना स्टार्ट हो गया, कब निकलोगे? अभी पहुंचा हूँ, 1 घंटा हुआ है, अब आते पूछें कब निकलोगे, साइको है पूरी। बाकी ठीक है, बाकी मिलता हूँ सीधा घर जाके ही मिलूंगा क्योंकि अभी एक साइज लेने जाना है, वैसे 1-2 घंटे उसमें लग जाएंगे। बाकी ब्लॉग यहाँ तक अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक देना यार, कमेंट कर दिया करो, थोड़ी मोटिवेशन आ जाती है यार, कमेंट भी नहीं आते ना थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता हूँ, मतलब डीमोटिवेट इन द सेंस सिर्फ ब्लॉग बनाने में डीमोटिवेट हो जाता हूँ, पर इतना भी नहीं होता, बट कर दोगे तो खुशी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी बाकी चलते हैं, घर जाके मिलता हूँ। ओह वैसे घर आ गया था, घर आते ही सादगी महाराज कह रही है देव भाग गई, गंदी शक्ल हो रखी है, कहती पापा आज मेरा दिन स्कूल में ना अच्छा नहीं गया। मैं क्यों? कहती मुझे ना मोनिटर बना दिया। मैं फिर तो अच्छी बात है तुझे मॉनिटर बना दिया, क्योंकि नहीं मेरे को मॉनिटर नहीं बनना था। मैडम की बिंदी देख रहे हो, मैडम की बिंदी देख सकता हूँ आपको। अच्छी लग रही है, बनाना शेक पीने का मन हो रहा है, बनाना शेक पीते हैं। ठीक है कार्तिक महाराज सो रहे हैं, रिद्धि भी सो रही है, स्कूल जाओगे ना थक गए आज, और हमारी सहायिका लगी है अंदर बर्तन धोने में। और मेरा भी दिल हो रहा है मैं सो जाऊँ, बनाना शेक पी के थोड़ा सोता हूँ। ठीक है जी बाकी भैया घर पे हैं, ब्लॉग थोड़े ऐसे चलेंगे। ठीक है बाकी अब वैसे मैंने बताया था डेली ब्लॉगिंग अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, मैडम तो मुझसे ज़्यादा व्यस्त बिजी रहती है इसलिए। ठीक है जी बाकी अभी शेक क्या दिखाऊँ मैं बताना, घर बैठ के क्या दिखाऊँ कि मेरे बच्चे स्कूल से आ गए और ये सो गए हैं। हाँ अभी 6 बजे उठेंगे, फिर अभी
उठ के खेलने चले जाएंगे, ये दिखाऊं? अच्छा उससे तो और भी ज्यादा बोर हो जाएंगे लोग। चलो ठीक, चलो जी जल्दी आने का सौरभ ने फायदा तो उठाया। एक तो मैडम को अचार लेना है जो तिलानगर वाले से ही मिलता है, चार बार लेते हैं, और कुछ कार्तिक महाराज के घर के कपड़े लेने हैं और रिद्धि के भी, वो विशाल मेगा मार्ट से लेंगे तिलानगर वाले। ब्लॉग में बने रहना, आपको कच्चे बनानों के रेट बता देंगे क्या क्या चल रहे हैं। पर निक्कर बनैन टाइप ही लोग है ना उसकी, निक्कर बनैन। अब यही डाल दूंगा देखो। पर ठीक है, रात के टाइम लाइट जलती नहीं, दिन के टाइम जला रखी है। एक ये ले लेते हैं, बकेट ले लो एक। कार्तिक महाराज का तो हो गया, रिद्धि का रह गया बस। घर के लिए टी शर्ट्स चाहिए, बट सही ऑफर में लग रही यार, 109 209 में टी शर्टें घर पहनने के लिए बुरी तो नहीं है। ये मेरे साइज़ की मिल जाए जिम के लिए। ये 209 है सर। चलो भाई सोनो, मैं बिल की लाइन में तुम लगोगे ठीक है? अच्छा मैं पहले बता रहा हूँ, मैं नहीं लगूँगा। बस करो यार सोनो, बस करो। हाँ, बस कर रही हूँ भाई। आ जाओ यार, मैं थक गया। अच्छा दो मिनट रुक तो जाओ, अब इस तरफ आ ही नहीं थे, एक मिनट देखने में क्या कर जाए। साला देखते देखते मैं तुम दूसरी वो टोकरी भर दोगे, बच्चे कुछ बाल और बेड़ा कर दोगे तो। चलो यार सोनो, मैं बोर हो रहा हूँ। बना रही भैया बिल, मैं सैड हो गया था। भाई साहब बिल बना लिया। सोनम ने अनुमान पूछा कितना गया, मैंने अनुमान कैसा बताया तुम्हें? एकदम सटीक। मैंने बोला इतने का बिल आएगा सोनम, देख लेना इतने का ही बिल आया। मेरा कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, तभी मैं तुम्हें कह रहा था बस बस त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। अब घर जा रहे हैं, भूख लग रही, थोड़े गोलगप्पे खाते हैं पहले रास्ते में। गोलगप्पे खा के फिर निकलते हैं। बच्चों के घर के कपड़े लेने थे, कुछ थे नहीं। और बढ़ते उम्र के बच्चे हैं। जो लास्ट वाले ब्लॉग में तुमने देखा था, वो एक शादी आ रही है, वो एक एक ड्रेस ले रही थी इनकी। ठीक है, अभी बच्चे हर साल बड़े हो रहे हैं, कार्तिक महाराज हमारा या रिद्धि, ये बड़े ही हो रहे हैं। बाकी अब जा रहा हूँ घर, शाम का टाइम है, रात को तो मूवी देखूँगा कोई बढ़िया सी, पर अभी गोलगप्पे खा के जाएंगे। सादगी तो हमारी यार, वो तो पता ही, ऐसे लग रहा है फाड़ के निकले कि ऊपर ब्रह्मा जी आए हैं। वत्स आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वत्स आप नीचे जाइए, हम लोग